बरिया गांव के पोखरी में रविवार को मगरमच्छ देखकर ग्रामीणों में फैल गई दहशत। एक हफ्ते बाद पकड़ा गया मगरमच्छ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। सिकरिया में रविवार को 4 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 8 फीट लंबे मगरमच्छ को रेस्क्यू कर राप्ती नदी में छोड़ा गया। गोरखपुर जगतबेला टिकरिया गांव में एक हफ्ते से मौजूद मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। 8 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर ग्रामीण दहशत में जी रहे थे। 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जैसे ही मगरमच्छ जाल में फंसा तो ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। उनका कहना था कि अब चैन की नींद सो सकेंगे। देखते ही देखते वहां पर हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। दूसरे गांव के लोग भी वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन देखने लगे। बिना डरे ग्रामीण पोखरे के किनारे खड़े होकर फोन से वीडियो बना रहे थे। दो मगरमच्छ जाल फाड़ कर निकल चुका था। उसको ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम इस बार बड़ा जाल लेकर आई थी। 4 बजे के करीब वह जाल में फंस गया, जिसके बाद उसे पकड़कर गाड़ी में रखा गया। पोखरे में मगरमच्छ की सूचना के बाद से ही गांव के बच्चे और महिलाएं दहशत में थी। उनका निकलना बंद हो चुका था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, यहाँ तक कि खेलने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे थे। गांव के पुरुष दिन रात पोखरे के पास रहकर निगरानी करने में लगे थे। आई पावर का है, छिप जा रहा है। गोली मारा गई तो जरूर देगा अभी कुछ टाइम के बाद। धन्यवाद दादा। दो लोग खुदा यार गांव का आदमी अलग से पीछे कराओ चाहे। एक 10 दिन को पैसा दे रहा हूँ, बेचारे मेहनत करे तो लोग उसे रजिस्टर किए हो। ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। बताइए उसके बाद जब शुरू से कि फिर वैसी में निकलाइए जलकुंभी निकाला गया, मशीन लगा के पानी निकाला गया इसका, उसके बाद वन विभाग रेस्क्यू करके लेके जा रही है। आज कितनी देर मशक्कत करनी पड़ी वन विभाग? आज सुबह से पानी निकाला जा रहा है। सुबह से पानी निकलने के बाद वो भी 3-4 घंटा हो गया। आप यहाँ आए तो देख ही रहे हैं 4 घंटे से कितना उसको निकाला गया। अब मान लीजिए पुलिस यूपीपी भी आई है और उसके बाद फॉरेस्ट विभाग भी आए हैं, उनके भी फोर्स आए हैं जो पकड़ने वाले थे। ये लोग कुल मिला के 10-20 लोग तो थे ही, मतलब काफी मशक्कत के बाद पकड़ने आए हैं। राहत राहत तो बहुत राहत, कम से कम 9 दिन से जो जाग रहे हैं हम लोग, अब तो चैन की नींद सोएंगे ना। जगह बताइए, नाम बताइए। ये ग्राम टिकरिया जगतबेला रेलवे स्टेशन के पास। आप, मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है।